हाय फ्रेंड्स मैं हूं माने वेलकम टू मूवी शो भी करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा सा नमस्कार और एक बार फिर से बात करते हैं ज़रा फाइटर की क्योंकि मैं दोबारा से देख के आया फैमिली के साथ यूजली जब पहले दिन रिलीज़ होती है तो मेरा कोशिश यही रहती है कि सबसे पहला वाला जो भी जहाँ शो मिल जाए तो वहाँ पहुँच जाए अगर दिल्ली में होता हूँ लार्जली तो फिर मैं डेली एन गाज़ियाबाद तक चला जाता हूँ कई बारी तो सुबह सुबह जब बॉम्बे में होता हूँ तो वहाँ तो बहुत सारे शोज़ लग जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा थाने वाने तक भी चला जाता हूँ मैं ठीक है एनी बात करते हैं फ़ाइटर की और सब बात सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन की ऑफ लेटली स्टैंड आउट लेकिन क्या फाइटर उनकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन शुरू किया था अपना करियरफ के साथ तो मारफ्लिक्स भी हो गया है। तो पहले सलाम नमस्ते टकी मूवीज बनाई और वो आपको सबको पता है तीन चार मूवीज उन्होंने बनाई रोमांटिक जोन के अंदर बहुत सी चल गई नाम कमा लिया फिर उसके बाद अचानक से एक ब्रेक थ्रू आया जब बैंग बैंग रिलीज हुई बहुत बड़ी मैसेज हिट नहीं हुई लेकिन उसको स्टैब्लिश कर दिया गया कि एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज तरीके का एक डायरेक्टर जो एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझता है जो कि ट्रूली इंटरनेशनल होता है चाहे वो कैमरा वर्क हो चाहे वो कॉस्ट्यूम हो चाहे फिर वो गाने हो चाहे फिर वो होल ट्रीटमेंट हो चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेज का एक नया ट्रीटमेंट हो कि भाई रूफ टू रूफ जम्स और ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज लगी ठीक ठाक ट्विस्ट एंड टर्न भी लगे और मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी बैंग बैंग क्योंकि जो स्टाइल क्वेश्चन हमें टॉम क्रूज की मूवीज में दिखता था इंटरनेशनल वो हमें यहाँ दिखने लग गया और टॉम क्रूज से बेटर इंसान दिखने वाला हमें यहाँ पर ऑलरेडी था हमारे पास रोशन तो उसका वेल यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं ना तो वो मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो गया तो मेरे को वो लगा कि ये मूवी के अंदर बहुत ज्यादा दमखम है और ये इंसान कौन है वो एंड तक रिवील नहीं होता तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता अब ये टॉम क्रूज की एक मूवी की कॉपी थी लेकिन यहां पर जिनको नहीं पता था उनके लिए बहुत बड़ा स्वाद था मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्वाद था उसके बाद कपल ऑफ मूवीज और भी आई जिसके अंदर ऑफकोर्स पठान थी सबसे बड़ी हिट वन जीरो फ़ाइव जीरो उसने कमाए और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवी है हिंदी सिनेमा के लिए क्योंकि हिंदी सिनेमा जिस दौर से निकल रहा था उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि कैसे निकलेंगे इस दौर से और उस टाइम पे शाहरुख खान का चाँम और इस तरीके की मूवी आना जो जो ऑफ इट्स टाइम थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने हीरो के अंदर भी हमें इंडल्च किया हमें सिनेमोग्राफी के अंदर भी इंडल्च किया क्योंकि बहुत ही प्रीमियम अप मार्केट थी और साथ ही साथ में हमें विलन के अंदर भी वह पूरा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बांध के रखा स्टोरी काफ़ी टाइट थी काफ़ी ठीक ठाक से इसके अंदर इमोशन्स थे मेरे इमोशन जब सबसे ज़्यादा जागे थे वो जागे थे बैंक बैंक के लिए जब ये पता चलता है कि ऋतिक रोशन का जो कनेक्शन है वो उसके भाई जिमी शेरगिल के साथ था और जिमी शेरगिल का वो बदला ले रहा था तो एक पर्पस यहाँ पर निकल के आ जाता है अब बात करते हैं फाइटर की तो वो सबसे ज्यादा स्टाइलाइज होगी मुझे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके की मूवी लगी थी फ्रॉम अ मूवी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन फाइटर हैज़ इम्प्रेस्ड मी इवन मोर क्योंकि फाइटर के अंदर जब मैं दोबारा देखा तो मैं थोड़ा अब सिर्फ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं और सिर्फ रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा था मैं एज एन ऑडियंस भी देख रहा था कि चलो अब मेरे को इंटरटेन करो मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे इवेलुएशन मोड के अंदर आना है तो वट इज़ माई टेक माय टेक इज़ दैट पहले तो ये जो टॉप गन कहने वाले लोग हैं वो थोड़े से मेरे ख्याल से दिमाग का इलाज करा लेंगे मतलब हर चीज़ जो हवा में उड़ती है वो टॉप गन नहीं हो जाती है यार ठीक है तो पहले तो उसको साइड रखो दो लव लवी बडी लोग आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके पास लव स्टोरी आ गई उसके अंदर कबीर सिंह एनिमल एक अलग तरीके के वेरिएशन भी आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग को खुला हो से रखना चाहिए इस मूवी के अंदर सिद्धार्थ ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं कि अगर आपके पास एक एरियल मूवी है जिसके अंदर जेट फाइटर्स वगैरह हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हो सकती थी लेकिन बहुत बेर मिनिमम पे वो टेक्नोलॉजीज़ रखी जिससे आप और मैं रिलेट कर पाएं तो उन्होंने समझा बहुत होगा लेकिन हमारे लिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना बिल्कुल लोअर काडर की चीज़ पर समझा दिए जिससे हम ये इन्जॉय कर पाएँ अच्छा वो ऊपर चला जाएगा ये चला जाएगा लॉक करने का क्या मतलब है आगे प्लेन है तो मैं हिल नहीं पाऊँगा और मेरे पीछे मिसाइल पड़ जाएगी और वो मिसाइल जो होती है वो उसको फॉलो करती रहेगी सारी जो चीज़ें हैं ये समझने वाली बात होती है और दिखाया तीसरी चीज उन्होंने क्या करी क्योंकि हवाई जहाज जो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं और इतनी तेज मूवमेंट हो रही है तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि आ, कौन कौन है तो हल्का सा वेरिएशन इन कलर हेलमेट के कलर ऊपर जो लिखा है बड़ा क्लियरली पैटी या फिर कुछ भी या फिर रेड नोज़ वगैरह जो पाकिस्तान वाला था ये जो सारी बातें होती हैं ये आपको एक ऐसा क्यू दे देती हैं वेल डिफाइंड आई वुड से सिनोग्राफी का भी और डायरेक्शन का भी कि हाउ वी आर सिंपलीफाइंड फॉर पीपल ये बातें पता नहीं चलती हैं कि जब हम देख रहे होते हैं लेकिन जब इतनी तेज़ तेज चला जाता है सब कुछ मामला लेकिन आपको फिर भी पता है कि ये वाला जो तेज़ी से गया ये ऋतिक रोशन था ये जो गया वो रेड नोज था पाकिस्तान का तो आपको अच्छा लगता है Uh, तीसरी चीज मुझे ऐसी लगी कि जब uh, ये जो uh, रोमांस था इसके अंदर वो रोमांस होते हुए भी नहीं था <laughs> क्योंकि uh, क्योंकि आपको सारा मुद्दा देश के ऊपर रखना था आपको uh, इनके बॉन्ड के ऊपर रखना था तो रोमांस है लेकिन दीज गाइज आर नॉट कमिंग टुगेदर वो बिल्कुल एंड में गाना आता है जाके जिसमें ओके वी हैव अचीव्ड सो मच एंड चलो ओके विदर इज स्पेस इन आर लाइव्स टू थिंक अबाउट रोमांस एज वेल बट अनटिल देन वो जो पब्लिक चाहती है कि ये दोनों साथ में हो जाए लेकिन वो साथ हो नहीं रहे हैं कोई ऐसा गाना वाना भी साथ में नहीं हो रहा तो वो ऐसा जो मेरे को लगा कि ट्रीटमेंट था वो यूनिक था यूजली मूवीज के अंदर क्या होता है कि मौका देखते ही बहुत ज़्यादा रोमांस भी डाल देते हैं तो आपका मज़ा खराब होता है चौथी चीज़ मुझे ये लगी कि जो सेकेंड हाफ में जिस तरीके से इमोशंस का यूज़ हुआ है स्पेसिफिकली जब जिन्होंने मूवी देख ली ऑब्वियसली थोड़े स्पॉयलर होंगे इसके अंदर जब एक हिंदुस्तानी पायलट की हत्या कर दी जाती है मर्डर कर दिया जाता है ऑलमोस्ट पाकिस्तान द्वारा तो वहाँ पर जो इमोशंस खड़े होते हैं उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं एक तो आप अपने सोल्जर को इस हालत में नहीं देखना चाहते हो जो ब्रोटैलिटी का मंजर दिखाया गया बिना दिखाए सिर्फ डिस्क्राइब किया है वो बहुत अच्छा तरीके से आपको हिट करता है ये भी बहुत अच्छी बात हुई कि जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उसका कोई रिलीजन नहीं होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिंदू मुसलमान लोग हैं जो इकट्ठे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं सिख हैं जो इकट्ठे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर जो बॉन्ड है इन लोगों का वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो इनके डायलॉग्स हैं आपस के अंदर अगर वो रो रहे हैं तो आपको भी मन कर रहा है आपकी भी आंखें जो हैं नम हो जाती हैं जितने भी हार्ड आप पर्सनैलिटी हो आपको थोड़ा सा तो लगता है कि यार ये आ, मेरा भी मन जो है वो थोड़ा सा भारी हो रहा है इनके लिए वो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं फिर क्योंकि ये कमर्शियल सिनेमा है अब हीरो सिर्फ हवाई जहाज उड़ा के चला जाएगा तो क्या होगा तो फिर कुर्सी की पेटी खोल दीजिए और एंड के अंदर जब वो नीचे आता है और दुश्मन के पैर से बचाता है वो थोड़ा सा अनकॉल्ड फॉर सीन है कि अचानक से वो प्रकट कैसे हुआ क्रिश की तरह वो थोड़ा अजीब है लेकिन हिंदी सिनेमा है और कमर्शियल सिनेमा है तो वो काफी ज्यादा सिटी मार था वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इरप्ट हुए ये मैंने टू के अंदर देखा था और पहला वाला वर्जन जो था वाई मैक्स में देखा था तो अलग एक्सपीरियंस था इसके अंदर ज़्यादा मैं इमोशनली कनेक्ट uh, हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी देख रहा हूँ जिसके अंदर टू के अंदर भी काफ़ी मज़ा था ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर मज़ा नहीं था बिल्कुल सुपर वी एफ एक्स थे हाँ बॉम्बिंग वॉम्बिंग के कुछ कुछ शॉर्ट थे जो मैं मानता हूँ कि थोड़ा और बेटर हो सकते थे लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया थे तो ओवरऑल बेसिस पे जो इमोशन्स मेरे देश के लिए बिल्कुल हाई हो गए वो अगर मैं सारी मूवीज़ देखूँ सिद्धार्थ आनंद की चाहे मैं पठान देखूँ चाहे मैं बैंग बैंग देखूँ कहीं ना कहीं ये सोल्जर्स अटैचड हैं हमारे यहाँ पर स्पेशल एजेंट्स अटैचड हैं इसके अंदर मेरे इमोशन सबसे ज़्यादा इवोक हुए इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग इमोशनल होंगे मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा कमी कमी है इस मूवी की वो इसका खुद का विलन है वो काफ़ी सॉलिड तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता था क्योंकि उसकी लुक और ये सब चीज़ें आ रही थी उसके अंदर गहराई में नहीं गए उस कैरेक्टर के अंदर कि वाई देर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑफ सच अ कैरेक्टर ऑन ऑन बाय वो है ना क्या नाम पाकिस्तान आर्मी वो इतने डिपेंडेंट क्यों हैं इसके ऊपर मुजाहिदीन के ऊपर तो वो सारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था अगर वो समझा देते तो थोड़ा पॉलिटिकल अफेयर जो है यहाँ का वो भी थोड़ा और क्लियर होता मुझे नहीं पता कि क्यों डिपेंडेंसीज हैं लेकिन अगर जिनको पता नहीं है उनके लिए थोड़ा और सिम्पलीफाई वहाँ हो सकता था और जो ये इंसान है वो ऐसा क्यों है क्यों लाल है वो सिर्फ कैरिकेचरिश विलन से और ज़्यादा डेप्थ में जा सकते थे जो पठान में बहुत अच्छा था जिसके अंदर जिम के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें विलन की भी स्टोरी समझनी है या एनिमल में बहुत अच्छा था कि हमें अबरार की कहानी बहुत ज़रूरी समझनी है तो ये जो सब बातें होती हैं ये थोड़ा सा और मूवी को बेहतरीन बनाती हैं नाउ टू कंक्लूड दिस वीडियो दिस इज वॉज अ स्पॉयलर कम रीलोडेड जो मैं हमेशा बड़ी मूवीज़ के लिए बनाता ही हूँ रीलोडेड uh, जिसके अंदर हम स्पॉयलर वाली बातें करते हैं uh, इसका जो आज का कलेक्शन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है कल साढ़े नौ करोड़ रुपए के आसपास का जो एडवांस बुकिंग था वो ट्रांसलेट किया था करीबन पच्चीस छब्बीस करोड़ रुपए के अंदर आज साढ़े दस करोड़ रुपए डबल डिजिट के अंदर आ गया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि लेट थर्टीज़ के आसपास इसका आज कलेक्शन आएगा डे फोर वाले दिन तो बड़े नंबर आज भी आने वाले हैं पीपल आर कनेक्टिंग विद इट बहुत से लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं वो बेचारे उन्होंने या तो मूवी नहीं देखी है या फिर वो अपने किसी स्टार को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं देखो अपने स्टार को अगर आप चैलेंज करते चले जाओगे तो वो भी और बेहतरीन होता चला जाएगा एक ग्रुप है और एक स्टार है पहले तो मैं उसका नाम ले, ले लेता हूँ कोई लोग बोलते हैं कि तुम नाम नहीं ले सकते सलमान खान ले लीजिए शाहरुख खान ले लीजिए या फिर आप इवन अक्षय कुमार ले लीजिए इन सबके फैन ग्रुप्स हैं अजय देवगन के फैन ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है आज के डेट के अंदर वो सलमान खान और शाहरुख खान के फैन क्लब जो, जो सबसे बड़ा फैन क्लब है आज के डेट के अंदर वो है शाहरुख खान का फैन क्लब अब शाहरुख खान के अपने इंटरव्यूज देखे होंगे उसका बिहेवियर भी देखा होगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके का इंसान है मैं पर्सनली कम से कम पाँच छः बार मिल चुका हूँ उससे और जिनको नहीं पता वो मेरी फोटोज़ वगैरह देख लेना कम्युनिटी पेज पर मिल जाएंगे तो वो इंसान इतना हम्बल है और वो आज की डेट में जब कोई कैमरा भी नहीं देख रहा होता तो वो किसी का बेचार जैसे आशा जी बैठी हुई हैं तो उनका कप उठा के कहीं रख देगा लेकिन फैंस पता नहीं क्या करते हैं लड़ने झगड़ने लग जाते हैं आ, क्या इनसिक्योरिटी है मुझे पता नहीं कि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किंग खान है वो किंग खान बताने से नहीं है अपनी डीड से है अपनी मूवीज से है जो प्यार मिल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड उससे है तो ये जो फ़ैन वॉर्स में एक दूसरे को वो किसी को सलोड़ा बोल दिया किसी को हकला बोल दिया किसी को कैनेडियन बोल दिया अब तो वो खैर इंडियन हो गया तो कनेडियन भी नहीं बोल सकते तो हम तो नया कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये जो सारी बातें हैं आई थिंक समवेयर इट हैज़ टू स्टॉप क्योंकि ये सारे जो स्टार्स हैं ये हमें इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे और अगर हम इनको इकट्ठे से ये सारे फैंस मिल जाएँ प्यार दें तो हो सकता है हमारे पास कोई एक ज़बरदस्ती एक, 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 एक दिन एवेंजर ट्रूली आ जाए जिसके अंदर ये सारे लोग हमें दिखें सिंगल सिंगल हीरो देखने में ज़्यादा आजकल मजा आ नहीं रहा है आजकल मुझे लगता है कि जब कभी भी एक स्क्रीन के ऊपर एक से ज़्यादा स्टार आ जाता है तो वो और डेप्थ लेके आ जाता है एक वेराइटी लेके आ जाता है जो मूवी को एलिवेशन मिलना चाहिए और ज़्यादा मिल जाता है तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है जितने भी फैन क्लब्स बने बैठे हैं और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं टोन डाउन हो जाओ यार मतलब डिफ़िकल्ट होता है अगर आपके स्टार के बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं समझ सकता हूँ मेरे को तो कई बारी धमकियाँ आ जाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर के तुम करके देखो हम तुम्हें घर से उठा लेंगे बदतमीजियों का क्या फ़ायदा है मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्टॉप होना चाहिए अगर आपको भी ऐसा लगता है इसको स्टॉप होना चाहिए सिनेमा को सिनेमा की तरह इंजॉय करना चाहिए जो एक्टर अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो जो नहीं अच्छा कर रहा है उसको फीडबैक दे जाने दो तो यार घर उसकी उसको डीमोरलाइज करके आपको क्या मिलेगा डीमोरलाइज करोगे तो वो बेचारा दारू पीने लग जाएगा और वो फिर वो डोल ड्रम्स में चला जाएगा और हर इंसान कोई बॉबी धोल तो होता नहीं कि वही अपने आप को पुल अप करेगा मसल बनाएगा फिर कम बैक करने की कोशिश करेगा और पब्लिक एक्सेप्ट भी कर लेगी इतनी चीज़ी किस्मत हर एक की तो होती नहीं है और चांसेस भी हर एक को मिलते नहीं है तो बेटर यही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी को नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी कोई फीडबैक देने की कोशिश करते हो तो आप गाली गुलस तो नहीं करते हो ऑब्वियसली नहीं तो वो बोलेगा कि अच्छा आ जाता है तो मैं तेरी पिटाई करता हूँ या फिर मैं पुलिस को बता देता हूँ तो सेम बिहेवियर सोचो कि आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ऑनलाइन आपको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो सेम ही तरीके की वो वो कैबलरी यूज़ करो क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पर कॉमेंट्स जिस तरीके के आते हैं एक दूसरे से जब लोग तो डिशम डिशम करने की कोशिश करते हैं सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं डी मीनिंग करना शुरू हो जाते हैं तो प्लीज़ मूवी शूवी पे ना करें यार ये बाहर जहाँ भी करना चाहें करें प्लीज़ ठीक है बाय बाय